हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कास्टनी फैशन। फ्रेंड्स, आज एक नेक पैटर्न बनाने जा रही हूँ जो कि मैंने लगभग सारे मार्केट में उसी पैटर्न को छाए हुए देखा है। उस पैटर्न में ऐसी कोई बात नहीं जो कि बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आप नहीं बना सकते हो घर पे, और दाम उसका इतना ज़्यादा है कि सुन के आपको लेने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपको ये पता है, जो लोग भी स्टिचिंग करते हैं, जो लोग भी कपड़े बनाते हैं या फिर बहुत सुंदर नेक पैटर्न बनाते हैं, उनको पता है कि ये कितने दाम में बन जाएगा। तो लगभग उस वह कुर्ती मिलती है 1200 1500 से स्टार्ट है, और अगर प्लाजो के साथ लिया तो वो 2000 से 2500 तक जाती है। तो आज हम सीखेंगे उस पैटर्न को घर पे बनाना, जिससे कि हम इतने पैसे खर्च करने से बच भी जाएं और हमारा एक बहुत प्यारा सा कुर्ती भी तैयार हो जाए घर पे। तो फ्रेंड्स, मैंने एक ये फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक पे हल्की सी छोटी छोटी प्रिंट्स हैं, और इस फैब्रिक पे हल्का मशीन चिकन का काम किया हुआ है, शायद आपको दिख जाए। ये देखिए, इस मशीन इस पे हल्का सा ये मशीन चिकन का भी काम किया हुआ है। ये काफ़ी प्यारी लग रही है। ये समर में पहनने के लिए बहुत अच्छा है, एक कूल है, बिल्कुल कलर इसका इतना कूल है कि पहनने के बाद भी कूल फीलिंग होगी और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इस फैब्रिक के ऊपर इसका मैं नेक पैटर्न बनाने जा रही हूँ। ये एक लहरिया का प्रिंट है जो कि इससे ग्रीन से थोड़ा मिलता जुलता भी है। इसके फैब्रिक में जो डॉट्स पड़े हैं, जो फ्लावर्स पड़े छोटे छोटे, ये देखिए, इससे मिलता जुलता ये कलर है। तो इसके साथ ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी करेगा और ऑड भी नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैं इसका पैच बनाऊंगी, और ऐसा पैच बनाऊंगी जो कि मार्केट में 1200 1500 रेट में कुर्तियाँ बिक रही हैं, और उसको हम लोग बनाना सीखेंगे बहुत ही कम में। तो ये फैब्रिक है मेरे पास, इसको मैंने एक बड़ा सा पैच बनाना है। इसका मैं लेंथ लूंगी 16, 15 मिडिल तो होता ही है, तो मैं इसका लूंगी 16 मेजरमेंट। ये देखिए, जिससे कि 1 इंच हमारा स्टिचिंग में दब जाएगा, और 15 एकदम बॉडी के मिडिल में या फिर थोड़ा सा पेट के ऊपर लोअर बस्ट की तरफ आएगा। इतना ही पैटर्न मुझे, इतना ही पैच चाहिए। और इधर से लूंगी 14 इंच, क्योंकि इसे जब हम काटेंगे इसको मैं राउंड शेप में लूँगी लोअर पोर्शन पे, तो इसका कुछ पार्ट कट भी जाएगा और कुछ स्टिचिंग में भी जाएगा। सो इसका मैं 14x16 का मैंने एक फैब्रिक ये लिया है लहरिया, इसे मैं काट के फ्यूज पेपर पे चिपकाऊंगी। तो ये फ्यूज पेपर से मैंने एक ये पीस 16x14 का निकाल लिया है। अब मैं इस फैब्रिक में चिपका के जो शेप मुझे चाहिए उस शेप में काट के आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रेडी हो गया है हमारा पैच। ये देखिए, इसके पीछे मैंने फ्यूज पेपर को चिपका लिया है। ये है 14x16, और ये कटने के बाद राउंड शेप में आने के बाद जो इसका सबसे वाइड पार्ट है, चौड़ा पार्ट है, वो आया है 12 पे। तो ये 12 पे आया है, और ये है नेक। नेक मैंने 6 लिया है। ये देखिए, नेक मैंने 6 लिया है, और यहाँ से एक और मैंने 7.5 पे एक नेक लिया है जो कि हमारा नेक बनेगा और ये पैच बनेगा। तो इन दोनों को हम एक साथ स्टिच करेंगे। कई जगह मैंने देखा है इसको काट देते हैं, काटने के बाद इसको स्टिच करते हैं इसके साथ एक और पीछे से बुकरम लगा के। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है। तो देखते हैं कि शॉर्ट में और न्यू बिगिनर्स इसको कैसे बना सकते हैं, जिससे कि परफेक्शन भी आए, सुंदर भी लगे और टाइम भी ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो ये पैच मेरा रेडी है। इसके लिए मैंने यहाँ बुकरम सेट करने के लिए एक और पैच बनाया है। ये फैब्रिक जो है मेरे पास बहुत कम है, तो इसका मैं कुछ अदर्स दामन में या फिर स्लीव्स में पैच लगाऊंगी, इसलिए मैं इसका यहाँ इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। ये भी एक ग्रीन पट्टी है, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही सही बैठ जाएगा और दिखेगा भी नहीं। तो फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे मैंने ये पट्टी क्यों ली। ये इसलिए ली है कि ये जो मेज़र करना है वो मुझे बार बार यहाँ से कट करने के बाद ये 6 इंच का टेंशन या फिर मार्क करो ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखिए, मेजरमेंट मेरा पूरा 6 इंच पे आ गया है। तो इसलिए मैं ये पट्टी को फिक्स रखती हूँ, मैं अंदर का ये कट कर लेती हूँ। आखिर इसको कटना ही है, इसको काट के लास्ट में निकाली दूंगी स्टिच के बाद। तो फ्रेंड्स, हम इसको बराबर करके इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकाल के दोनों को इसको और इस फैब्रिक का सेंटर हमने यहाँ मार्क कर लिया है। ये देखिए, ये मार्क कर लिया, यहाँ पे इसको फिट करेंगे और इन तीनों को हम एक साथ यहाँ स्टिच करेंगे। तो आपको मैं इनको फिक्स करके दिखाती हूँ कि मैंने कैसे फिक्स किया है। तो हम इसे पहले काट लेते हैं बराबर। ये तो बिल्कुल बराबर में ही है, और ये भी बराबर में ही है। तो इसका मिडिल है 5, तो मैं 5 पे इसको काट लेती हूँ। ये मैंने मार्क लगा दिया जो कि यहाँ पे मैं स्टिच करूँगी, और ये भी 3 पे मैं मार्क लगाऊंगी। ये हमारा सेंटर है, पहले हम सेंटर को बराबर से कट कर देंगे। जिसके लिए हमें पहले इसको बराबर करने की ज़रूरत पड़ेगी।
ये देखिए मैंने इसे एक्स्ट्रा क्लोज कट कर दिया है और ये भी मैंने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया है, तो इसको मैं यहाँ लगाऊंगी इस तरीके से, तीनों पैच को एक साथ, तीनों फैब्रिक को एक साथ लगाऊंगी। तो इसके पहले सबसे पहले मुझे इसे फोल्ड करना होगा ताकि ये जब सिल जाएगा तो इसे दोबारा करने का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा, इसलिए मुझे इसे सबसे पहले करना है। इस पर मैंने इस चारों तरफ स्टिच लगा लिया है जो कि मैंने आधा इंच कपड़ा छोड़ा था, तो ये स्टिच हो गया है। अब इस पैच को स्टिच करने की बारी है, इसका भी मैंने लगभग आधा इंच कपड़ा उधर छोड़ा हुआ है फैब्रिक फोल्ड करने के लिए, लेकिन इसको फोल्ड करने से पहले मैंने इसके ऊपर ये चौक का मार्क लगा लिया है। चौक का मार्क लगाने से ये देखिए मैंने इस तरीके से आधे इंच पे ये चौक का मार्क लगाया हुआ है, यूँ जहाँ तक ये फैब्रिक है इसी के जस्ट ऊपर। इस पर मैं इसको फोल्ड करने से पहले यहाँ पे ये ट्रायंगुलर, इस तरीके से ट्रायंगुलर लेस लगाऊंगी, ये इस तरीके से ऐसे ऑपोजिट साइड से लगाऊंगी। ये देखिए ये है इसका ऑपोजिट साइड और ये है इसका सीधा साइड, तो ये रॉन्ग साइड से मैं रॉन्ग साइड को इसके सीधे साइड पे प्लेस करूँगी और यहाँ पे ऐसे स्टिच लगाऊंगी चौक मार्क पे। फिर जब मैं इसे स्टिच करने के बाद ऐसे पलटूंगी तो ये हमारा ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे स्टिच सेट हो जाएगा और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। तो इसको मैं सबसे पहले ये रॉन्ग साइड से यहाँ स्टिच करूँगी इस चौक के मार्क पे जो कि आधे इंच पे है। इसे हमें इस पैच पर अटैच नहीं करना है, इसको हमें इस कॉर्नर, ये जो ये इजेज है पैच का, वहाँ अटैच करना है। तो मैं आपको अटैच करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल यहाँ पे इसके किनारे से स्टिच लगाऊंगी। ये स्टिच हमें इसके बिल्कुल साइड से देना है, इस बुकरम पे स्टिच ना लगे, जस्ट इसके किनारे किनारे लगे। तो मैं इसे लगा के दिखाती हूँ। अब मैंने इसे स्टिच लगा लिया है तो मैं इसके बीच के कपड़े को निकाल दूंगी थोड़ा गैप छोड़ते हुए और फिर इसको पलट दूंगी। तो फ्रेंड्स मैं इसके बीच के कपड़े को निकालती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए ये मैंने बीच के कपड़े को निकाल दिया है और जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लोग दो बार तीन बार एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं, तो आपने देखा कि मुझे दो बार तीन बार रिपीट नहीं करना पड़ा। ये मैंने फिक्स कर लिया और ये मैं अब इसके नेक को ऐसे पलट दूँगी। ये देखिए मैंने एक ही बार में ये सॉल्व कर लिया है और इसे मैं किसी तेज़ चीज़ से इसके कॉर्नर को निकालूंगी। तो इसमें नोटिस लगा देती हूँ, थोड़े और कट की ज़रूरत है फ्रेंड्स जब ये पलट पाएगा। मुझे इससे नोटिस लगाना बहुत आसान लगता है। ये तीन चार पैच होने की वजह से थोड़ा हैवी भी हो गया है, थिकनेस आ गई है इसमें। ये मैंने नोटिस लगा दिया है, पहले थोड़ा कम लगा था इसलिए ये अच्छे से नहीं पलट पा रहा था, अभी बड़े आराम से पलट जाएगा। ये देखिए अब इस पर मैं एक फाइनल स्टिच लगा दूंगी। इस तरीके से बन गया है। अब इसके अंदर का ग्रीन कपड़ा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, इसको जब मैं फाइनल स्टिच लगा दूंगी, और ज़रा सा अगर नज़र आता भी है तो कहीं से बुरा नहीं लगेगा क्योंकि ये बिल्कुल ग्रीन के साथ ग्रीन ही है, तो बहुत ही प्यारा लगेगा। इसीलिए मैंने जानबूझकर इसमें कई सारे ग्रीन शेड के यूज़ किए हैं। तो मैं अब इसमें फाइनल स्टिच लगाने जा रही हूँ। सेम कलर का धागा भी लगा रखा है मैंने।
अब ये पैच अच्छे से लगने के बाद मेरे पास एक बहुत ही प्यारा लेस है जो इससे मिलता जुलता है और इसको बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो मैं इस लेस को इसके सेंटर पे लगाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा और एक्सपेंसिव लगे, जैसे हमें मार्केट में एक्सपेंसिव कुर्तियाँ देखने को मिलती हैं। क्योंकि आज मेरा असली मकसद यही बताने का है कि हम इतने पैसे ना लगाकर कम में भी अपने घर पर ही सुंदर कुर्तियाँ बना सकते हैं और हमें इतना खर्च भी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उनमें कई सारे लेसेस लगे होते हैं, तो इस तरीके से आपको भी मार्केट से अपने पसंद का लेस ले लेना है और इसको बिल्कुल अच्छे से फिट कर दीजिए ताकि ये बिल्कुल आपकी कुर्ती जो है बाज़ार से खरीदी हुई कुर्ती की तरह एक्सपेंसिव लगे। ये ऑलरेडी एक्सपेंसिव लग ही रही है, लेकिन हम इसे थोड़ा और सुंदर बनाएंगे जैसे कि ये और भी सुंदर लगे। आपके हाथ में है, आप चाहे तो इसको जितना सजा लें, और या तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल पसंद है तो आप चाहे सिंपल रखिए, पर जहाँ तक आज हम जिसके ये बना रहे हैं उसका मकसद यही है कि हम इसे सुंदर कुर्ती बनाएंगे। अब मैं इसका बीच से मेज़रमेंट ले लेती हूँ। मेज़रमेंट लेने के बाद ये हमारा नेक जो था 11 इंच का था, तो इसका जो सेंटर आएगा 5.5 पे बिल्कुल सही आ रहा है, तो हम इसे अब स्टिच कर देंगे। इसको बिना निडल निकाले ही मूव करेंगे ताकि हमारा लेस इधर उधर ना हो। देखिए धीरे धीरे इसकी ब्यूटी बढ़ते जा रही है। अब हम इस यहाँ पे जो मैंने हम लोगों ने एक फ्री नेक ले रखा था, ये देखिए ये जो हल्का सा हमने कट लगाया था उसके अकॉर्डिंग हम इस लेस को काट लेंगे। इसे जरा सा लंबा काटेंगे क्योंकि हमें इसको फिर फोल्ड भी करना है। हल्का सा फोल्ड इधर कर देंगे, इसको पलटेंगे नहीं, अदरवाइज इससे चुभने की शिकायत आ सकती है कि चुप या आपको चुप भी सकता है, इसीलिए हम इसे इधर ही फोल्ड कर देंगे और इसको अंदर शिफ्ट करके इस तरीके से या तो चाहे हल्का कट लगा दें। अब ये आराम से फोल्ड हो जाएगी और आपके ये कट नेक पे आराम से ये एडजस्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल एडजस्ट हो गया है, जिसको फाइनल स्टिच करेंगे। फाइनल स्टिच जब यहाँ पे आएगा तो मैं इसमें ट्रायंगुलर शेप का लेस भी यूज करूंगी। किसी की ये बिल्कुल ऐसा ना लगे कि हमारे कुर्ती में किसी तरीके की सुंदर कुर्तियों से कुछ कमी रह गई है, जो कि हम मार्केट से 1200 और 1500 का खरीद के लाते हैं, हमें बिल्कुल वैसा ही बनाना है। तो हम इसको हल्का सा, मैं आपसे ये भी कहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर इतना मेहनत करना बेकार है, हम मार्केट से ला सकते हैं, आप एक बार मार्केट जाइए और इन कुर्तियों का रेट पता करिए, फिर आपको ये लगेगा कि ये सही है। कासनी फैशन में बताया गया जो कुर्ती है वो घर पर ही बनाना सही रहेगा, सही एडवाइस दी गई है कश्मीर फैशन के द्वारा। तो हम हमेशा से यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमारे व्यूवर्स को कोई भी नुकसान ना हो, और इसमें नुकसान होने की बात नहीं है, अपने इंटरेस्ट की बात है, आप इसको अपने इंटरेस्ट से बनाइए। यहाँ थोड़ा पर्ल है, पर्ल में मुझे सावधानी से करना पड़ रहा है, अदरवाइज पर्ल टूट जाएंगे या तो निडल टूट जाएगी, इसीलिए बहुत धीरे धीरे से पर्ल वाले जगह पर कर रही हूँ। तो आप ये पूरा लगा के मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि कैसा बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स ये मैंने लगा दिया है लेस, अब देखिए इसका गेटअप कैसा आया है, ये काफ़ी सुंदर बनकर तैयार हुआ है। और ये देखिए इसका लुक बहुत ही सुंदर आया है, बिल्कुल रेडीमेड कुर्ती जो आप मार्केट में खरीदते हैं बिल्कुल उसी तरह। ये देखिए, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा पैटर्न अच्छा लगा हो और ये आइडिया अच्छी लगी हो कि आप मार्केट में इतना एक्सपेंसिव ड्रेस ना लेकर इतने पैसे कम पैसे में अपने घर पे अगर इस तरीके का पैटर्न बना लें, अगर आप जरा से स्टिचिंग जानते हैं तो ज़रूर बना लेंगे, और आपको ये आइडिया अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इस तरीके की नए नए आइडियाज़ और मार्केट में बिकने वाली लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ उनके पैटर्न्स को अगर आप कलेक्ट करना चाहें, कलेक्शन बनाना चाहें अपने पास, तो कासनी फैशन से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी ये फ़ायदा मिल सके और इतना प्यारा पैटर्न जो बनकर तैयार हुआ है वो ही खुद घर पर बना सकें। तो आपके लिए इतना ही, बाय बाय।